विशाल और साई केतन में हो चुकी है बड़ी फाइट। जी हाँ, और इसके चलते कर दिया है लाइव फीड को भी बंद। वेल, अब बात करते हैं आखिर क्यों हुई है इन दोनों के बीच फाइट। मैं आपको प्रॉपर अपडेट देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, सो वीडियो में एंड तक बने रहना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। सो बात कर लेते हैं विशाल और साई केतन में क्यों हुआ है फाइट। वेल, आपको पता होगा कि कल हो रहा था बिग बॉस में एक टास्क पावर ऑफ वेटो करके कुछ टास्क था, और फाइनली आपको देखने को मिलेगा कि यही टास्क कर रहे होते हैं सभी के सभी कंटेस्टेंट। और वहीं एक तरफ आपको देखने को मिलेगा कि जो विशाल होते हैं साई केतन के पास पहुंचते हैं और साई केतन के बेड से फूल को निकालने लग जाते हैं। और फाइनली आपको देखने को मिलेगा कि इसी बीच जो साई केतन होते हैं अपने फूल को बचाने के लिए साई केतन को धक्का वगैरह भी देने लग जाते हैं, और जो विशाल होते हैं वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते, और फाइनली इन दोनों में फाइट भी स्टार्ट हो जाती है। वेल, उससे पहले इन दोनों के बीच बहस भी होती है। जी हाँ, बहस होने के बाद इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है, और सुनने में ये भी आ रहा है कि कुछ देर के लिए लाइव फीड भी बंद कर दिया गया था, तब इनकी फाइट जब हो रही थी तो लाइव फीड को भी बंद कर दिया गया था। जी हाँ, वेल, अब देखते हैं आखिर ये फाइट कहाँ तक जाती है। जी हाँ, आइंदे साई केतन की फाइट हर किसी से होती रहती है। पहले हुआ इसकी फाइट कटारिया से, अब दूसरी फाइट इनकी अब विशाल से हो चुकी है। जी हाँ, अब देखते हैं आखिर इनकी फाइट कहाँ कहाँ तक जाती है। वेल दोस्तों, आपको क्या है इस अपडेट को लेकर कहना, और किसकी सबसे ज़्यादा गलती है तो ये आप हमें कमेंट में बता सकते हो। ऐसी बिग बॉस OTT सीजन 3 के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ। बाय।